चटनी, ये देखो लहसुन की चटनी है और ये भी चटनी है, ये भिंडी, थोड़ी भिंडी की सब्जी है, चूल्हे की रोटी है। नीचे पीछे फंसा देंगे अपनी गाड़ियों को, खड़ी कर देंगे अगर बाई चांस टच हो गया कुछ हो गया तो पीछे पड़ेंगे फिर। ये नमूने अलग हैं, ये देखो दोस्तों अलवर का ट्रैफिक है पूरा, मजेदार ट्रैफिक। दोस्तों चेस्ट माउंट है, मिलता बहुत है, अभी सामने गाड़ी वाला बहुत बल चला रहा है जगह बेटा, अब यहाँ तब यहाँ इतना ही नहीं इंडिकेटर दे रहा है पूरा है। दोस्तों हमारा अलवर है, 200 फुट रोड पर चल रहे हैं इस समय, हम है पता ही नहीं हम चल जा रहे हैं, बस रोड पे चले जा रहे हैं, बस जब आपको रोड पहुँचते हैं क्या है। है दो तो इसको देश पूर्वल चौराहे बोल देते हैं, हनुमान सर्किल बोल देते हैं इसको, यहाँ से हम सीधा जाएंगे और जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है वो सीधा भरतपुर के लिए जाता है और राइट में जो है वो चल रहे हैं।
अभी क्या लग के जरियो 40 एक किलो कर दियो 1 किलो ये तो कम है अभी तो और आम कैसा कर रखा है आम 2 किलो मिल रहा है तो ये ना 2 किलो मिल रहा है ना ये ले लिया तो पूछ रहा हूँ रेट बस में ना 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 भाई कमाल केला ले तो लिया वो तो केला है आम ये भी तो बाल करने के लिए ना वो बाल करने के लिए यहाँ से दो रास्ते तो आगे से भी है कि हम इस वाले चलेंगे थोड़ा एडवांस कर सकते हैं ये देखो दोस्तों जानवर की भैंसें हैं ये भी क्या बरसात आने से पानी आ गया अंदर वरना ये नहर सूखी रहती है हमेशा क्या कहूँ दोस्तों जो केले दिए तो चल रहे हैं सिटी के अंदर क्या करें
ऊपर है भाई, क्यों चल रहे हैं? देखो दोस्तों बाहर आके कितना खुला खुला है, सिटी में रह के कोई तो दवा भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता वहाँ पर। ये दोस्तों कम से कम ये 10 फुट में, कम से कम 8 फुट का रोड तो है, बनना चाहिए पूरा पता, लेकिन हमारी सरकार है और जो यहाँ के सरपंच होते हैं उनके कारण ये रोड बन ही नहीं पा रहा है। आप एक पगडंडी चल रही है बस, एक जिंदगी कैसी पहेली है। ये देखो दोस्तों इसे गाय बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा स्कूल में इसके बारे में, ये भैंसे बोलते हैं, ये कुत्ता है, और कभी कभी तो कुत्ते भौंकते हैं यहाँ से निकलते हैं, शांत है। ये देखो तो आप रास्ता देख रहे हो सामने, ये वही रास्ता जो आगे जा रहा है, हमने पहले ही लेफ्ट टर्न ले लिया। रास्ते दोस्तों ऐसे हैं थोड़े, यहाँ पर नमूने ये इंडियन विलेज है दोस्तों, फ्रेंच इंडियन विलेज है। मैनी फॉरेन पीपल वांट टू नो हाउ इज इंडियन विलेज, दिस इज इंडियन विलेज। ये यहाँ की जनता है, इनको आप कितना भी हॉर्न देते रहो साइड में नहीं हटेंगे। दे आर लाइक ब्लाइंड एंड डाउन एवरीथिंग। ये दोस्तों ई रिक्शा है, चलते हैं मस्ती में।
बहुत बढ़िया। पता नहीं कौन सी फसल है, ये भी शायद बाजरा है, क्योंकि अब सर्दी आएंगी तो बाजरा पैदा होगा। ये देखो दोस्तों गाँव के रोड है सारे, इंडियन विलेज रोड। हाँ गड्ढे बस हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है आज की, ये सालपुरी विलेज है। ये देखो तो ये है सालपुरी गांव, इंडियन रोड, इंडियन विलेज रोड। टू मच स्पीड ब्रेकर, टू मच पिट्स समवेयर, मट पिट समवेयर, वाटर पिट, पिट 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 ऑलवेज पिट, रोड इन अ पिट। देखते हैं निकल पाते, ये देखो यहाँ के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे क्या मस्ती कर रहे गंदे पानी में, और ये माँ बाप को रोकते ही नहीं है। देखो इनको बताओ, ये बात हुई है, ये देखो इंडियन रास्ते, गाँव के रास्ते। यहाँ सब लोग सहनसा बन के चलेंगे, मेरे पास मोटरसाइकिल है तो दूसरा कोई है ही नहीं, ये तो नंगू पहलवान, नंगू मैन, निकेट मैन। Street dogs are fighting each other. देखो ये यहाँ की महारानियाँ हैं गाँव के रोड़ों पर, भैंसे अगला है नहीं पर। हमारा भी कटा गया दोस्तों, ये देखो
हैं। ये देखो दोस्तों, जहाँ हमको आना था पहुँच गए हम, जिनसे मिलना था हमें। देखो दोस्तों, ये विलेज है यहाँ के। ये पता नहीं कौन सी फसल ले आ ली अभी। ये देखो खेत यहाँ पर, जय मसीह की। क्या हाल चाल है? क्या उसे की देखो, ये मेरे दोस्तों के बच्चे हैं तुम्हारे। वही देखो आप, इस चूल्हे पर रोटी बन रही, किसी ने देखा नहीं हो कभी। वीडियो बन रही है आप किस समय, ऐसे बनते हैं चूल्हे पर रोटी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा शहर में बनती कैसे चूल्हे की रोटी। और भैंस भी रख ली आपने, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो दोस्तों, इनकी भैंस है आती। ये बच्चा भी है इसका। ये देखो दोस्तों, और ये इसका बच्चा है, प्यारा सा, क्यूट सा। एक ये इसकी माँ है। हेलो कर, हेलो। हाँ, ये इसके बच्चे हैं देखो दोनों दोनों। अभी नाम बताओ। जॉन। और जॉन सी। ये देखो, ये फूल के पौधे हैं। ये तुलसी का आला, तुलसी। ये भी फूल है, पता नहीं कौन सा है। ये देखो, ये गेंदे का फूल है। ये इनके खेत हैं अले, मस्त। ये देखो दोस्तों, ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम है, क्या नाम है? सुरेश। हाँ सुरेश, भूल गया सॉरी, दोस्त का नाम ही भूल गया। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है सर। हम इनके घर पे आए हैं अभी। देखो पूरा इनका घर है, ये वाला मुझे दिखाए, चूल्हा भी दिखाया इनको अभी। ये इनकी भैंस है उधर। ये होती है देखो दोस्तों गांव की लाइफ, गांव के लोग कैसे होते हैं। मैं चूल्हे की रोटी दिखाई, बहुत सारे लोग पता नहीं होते चूल्हे की रोटी होती कैसी। ये चूल्हे की रोटी है। दुनिया गया भैंस की ना, वो गैस की रोटी खा कर खराब हो जा रही है सेहत उनकी। जिनको लगता है ना ये खराब होती है, असल में ये सबसे सेहतमंद होती रहती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसके फायदे कितने होते हैं। इससे क्या, आप कभी गैस नहीं बनेगी। और जो ये चूल्हे के अंदर सिकती है, इसके अंदर नमी भी ज़्यादा रहती है, और इसमें जो घास लग, जो चूल्हे की राख होती है, और थोड़ा सा जो कोयल लगता है, वो भी क्या एंटीसेप्टिक होता है। उससे क्या होता है, हमारे पेट के अंदर कभी गैस नहीं बनेगी, या जो एसिड बनता है वो भी नहीं बनेगा कभी। ये नेचुरली है। कभी आप सर्च करोगे गूगल पर, तो उसमें आपको ये चीज़ आएगी कि अगर किसी ने कोई जहर खा लेता है, या फिर ऐसा कोई एसिडिक पदार्थ अगर खा लेता है, तो उसको कोल खिलाया जाता है, यानी कोयला दिया जाता है, जिससे क्या वो उसकी जो एसिड होता है या फिर जहर होता है उसको सोख लेता है। और सर लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ की। लोग सोचते हैं गैस की रोटी बढ़िया होती है, गैस की रोटी सबसे ख़राब होती है। ये देखो उनका पहनावा स्पेशल, गर्मी है इसलिए, उमस है, उमस है, बहुत गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रहा है। देखो गर्मी पहन, घर में क्या क्या हाल हो चुकी है लोगों की। आप थोड़े दिनों में हो सकता है ये टी शर्ट भी ना रहे, ऊपर कच्छा भी ना रहे। नहीं नहीं सर। ये देखो कितना सुंदर विलेज है, शांति बहुत है यहाँ पर। ये हमारी मोटरसाइकिल दोस्तों। ये देखो हमारा डिनर आ गया, भोजन आ गया आज की। ये हमारी है, ये अचार है, चटनी, चटनी। ये देखो लहसुन की चटनी है, और ये भी चटनी है, ये भिंडी, थोड़ी भिंडी की सब्जी है, ये चूल्हे की रोटी है। ये देखो, ये मेरे दोस्त हैं, वो भी खा रहे हैं। ये होता है देखो देसी भोजन। बहुत सारे लोग क्या होते हैं इसके लिए, लोगों को पता ही नहीं होता असल में क्या चीज़ है ये, और हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसी के लिए, जो रिसोर्ट वगैरह होते हैं कई हेरिटेज टाइप के, उनमें जाएंगे, उनमें
पे खर्च करेंगे पैसा। देसी घी है भैंस का, और देसी घी लगाओ भैंस का ये। किसी को चाहिए तो बता सकते हैं आप, कॉन्टेक्ट कर लें, हम प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ से। इनका घर है पूरा, ये चूल्हा था, ये दोस्त हैं, ट्राई करते हैं कैसा है। जो चटनी है बहुत चटपटी है, थोड़ा चटपटी है। मिर्चियाँ डाल दी, और सब बड़ी मिर्ची है इसके अंदर, चटपटी होती है। चटनी किसको बोलते हैं? चटपटी है, काफ़ी मिर्ची है, लाल मिर्च बहुत है। ये भिंडी की सब्जी है, देखो देसी खेत की उगी हुई। ये देसी भिंडी है, तभी दोस्तों आप भी आना चाहते हैं आप मुझे बताइएगा, इसके लिए मैं हम आपके लिए प्रबंध करेंगे पूरा इसका। इफ यू पीपल वांट्स टू कम एंड टेस्ट दिस फूड, डिलीशियस फूड यू कैन कम एंड इन्फॉर्म मी फर्स्ट, बट वी विल अरेंज ऑल थिंग्स फॉर यू। ओके दोस्तों, हम एंजॉय करते हैं इसके लिए, आप भी एंजॉय करिए अपने डिनर को। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो दोस्तों, ये मेरे दोस्त हैं जिनके पास में आए, इनका घर है, वैसे इनकी अंधेरे में शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। आ जाने कल, और टाइम निकाल कर तो बात करते हैं। काय माल बना आए, उड़ के नहीं चलेंगे, अपना काम पूरा हो जाए उसका पार्टी करेंगे। कुछ क्या पता नहीं क्या होगा, लास्ट टाइम गर्म हो गया इंजन एकदम से ना, इंजन ऑयल ख़त्म हो गया था, उसके बाद आवाज़ करने लग गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है चलने में। गुड नाइट। ओके दोस्तों, अब हम वापस चल रहे हैं, आई होप रास्ता आपको दिख रहा होगा पूरा।